और दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार हमलों से गांधी परिवार काफी आहत है। बीजेपी के वाड्रा पर फिल्म दिखाए जाने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। बीजेपी के बयानों और इस कदम के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाने का मन बनाया है। 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। एक दसवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1,00,000 रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। अब आरएसवीपी का मॉडल आया है, आरएसवीपी मॉडल। आर याने राहुल, एस याने सोनिया, बी याने वड्रा, पी याने प्रियंका। दुश्मनी में सबसे ज्यादा दुखने वाली रग दबाई जाती है। जिस देश में दामाद को परिवार के मान का दर्जा हासिल हो, उस देश में गांधी परिवार की इससे ज्यादा दुखने वाली रग भला और कौन सी हो सकती है। चुनाव के दौर में नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा को हमले के लिए चुना। हर रैली, हर मंच से वाड्रा पर तीर छोड़े और कलेजा गांधी परिवार का छलनी किया। एक दसवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, माँ बेटे का ये मॉडल है। पहले तो देश का सबसे ताकतवर परिवार सहन करता रहा, लेकिन एक पत्नी का धैर्य जवाब दे गया। चुप्पी टूटी, दिल का दर्द उबल गया और यह दर्द भी ऐसे उबला कि वोटों में तब्दील होकर मरहम का काम कर सके। जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है, जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। अब तक हमले जुबानी रहे, लेकिन बीजेपी ने एक कदम और बढ़ाया और देश के सबसे ताकतवर परिवार के दामाद पर सीडी जारी कर दी। हमारे समाज में सीडी जारी होने का मतलब है कांड, सनसनी। ये सीडी भी सनसनीखेज निकली। बीजेपी ने दामाद जी के चरित्र, उनके कारोबार और काबिलियत पर कालिक पोत दी। अगर रॉबर्ट वाड्रा इतने अधिक उद्यमशील हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने जमीन की खरीद किसी गैर कांग्रेस राज्यों में क्यों नहीं की? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये असहनीय था। सो पत्नी के नाते प्रियंका का गुस्सा फिर फूटा। जिस पार्टी को मोदी शेर का मुखौटा पहनाने में जुटे हैं, उसे बौराया हुआ चूहा बता दिया। पहले जुबानी तीर, फिर सीडी से वार। कांग्रेस तिल मिला गई, गांधी परिवार के दामाद को तटस्थ बताया और वाड्रा पर निजी हमलों के लिए बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग जाने की बात कही। ये लड़ाई सत्ता हासिल कर लेने की है। विरोधी दुखती रग दबाए हैं। कांग्रेस फिलहाल तिल मिलाने के सिवा कर भी क्या सकती है? यूं भी इस वक्त निजाम चुनाव आयोग के सामने बौने हैं। दिल्ली से रीमा पाराशर और रायबरेली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो।